बड़ी खबर आ रही है रीवा जिले से, जहां कल दोपहर को नईगढ़ी थाना अंतर्गत बहुती प्रपात के अंदर महाराज जी के धाम दर्शन के लिए दो लड़कों के साथ तीन की संख्या में गई लड़कियों को लौटते वक्त छह की संख्या में घात लगाकर बैठे युवकों द्वारा लड़कियों को जंगल में अगवा कर दुष्कर्म की कोशिश और लड़कियों को निर्वस्त्र कर वीडियो बनाने की खबर आ रही है। महाराज जी के भक्तों की माने तो वह हल्ला गुहार सुनकर घटना स्थल पर पहुंचे, तब तक दो लड़कियों को अगवा कर जंगल से भाग निकलने में आरोपी सफल रहे। वहीं आपको बता दें, एक लड़की को बचाया जा सका, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची नईगढ़ी पुलिस के द्वारा खोजबीन के बाद मिली लड़कियों को लेकर थाना पहुंची। वहीं देर रात पांच आरोपियों के पकड़े जाने की भी खबर आ रही है, जिसमें एक फरार बताया जाता है, जिसकी पुलिस के द्वारा तलाश जारी है। एक तरफ सरकार जहां सुरक्षा के लाखों दावे करती है, वहीं रीवा में भी एक एडीजी, दो डीआईजी, दो एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी पदस्थ होने के बाद भी अपराध में रोक लगाने में पुलिस प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा हमारे संवाददाता राजेश दुबे को सूचना दी गई, तो मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता ने घटना स्थल की सारी जानकारी दी। आइए सुनते हैं मंदिर के सेवादार और हमारे प्रतिनिधि राजेश दुबे के बीच हुई चर्चा, और फिर सुनते हैं पूरी घटना को लेकर नईगढ़ी थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर ने हमारे चैनल हिट रामानंद पांडे को क्या जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि युवकों के साथ लूट की वारदात को भी अंजाम देने की खबर आ रही है। यहाँ से गए तो बीच में थोड़ा आधे के और इधर ही यहाँ बांस उसकी झाड़ियों में छिपे थे, वहीं से दो लड़के थे, उनको मारना पीटना शुरू कर दिए, भाग गया एक का, सब मोबाइल वोबाइल पैसा वैसे छुड़ा लिए, फिर हो गया वो लड़कियों के साथ लग गए। फिर जब आवाज सुनाई पड़ी, हम यहाँ से भाग के गए, भगवान बोले देखो विनायक क्या हो रहा है। तो जब गए तो बोले साधु आ गया, तो एक ठो एक का हाथ पकड़ के लेके जंगल में भाग गया, एक ठे एक का हाथ पकड़ गया, एक ठे दो ठे एक के साथ दिखे, तो हम जल्दी से गए, तो उसको हमने कहा छोड़ के उन्होंने जंगल में भागे। तब तक उसको हम लाए यहाँ भगवान के ठे बैठाए हैं, तब फिर इसके बाद फोन लगवाए पुलिस को सौ नंबर में, मतलब दो को लेके भाग गए एक बची। हाँ उसके साथ दो लगे थे, फोन के भाग गए जब हम पहुंचे तो। हाँ सर, मतलब दो थे लेके भाग गए ना, तीन थी ना ये? हाँ तीन लड़कियां थी। तो दो को लेके भाग गए? हाँ एक के साथ दो थे, तो वो छोड़ कर भागे जब हम पहुंचे तो। फिर उसको यहाँ पहुंचाए, इसके बाद क्या कहते हैं, हम लोग गए ढूंढने गुहार मारी, कहा हो छोड़ दो छोड़ दो, तो फिर देर के बाद उन लोग छोड़े। तो पांच की संख्या में रहे? बिटिये तीन नहीं, दुई लड़कियों के साथ आई रही थे। और नहीं वो तो पांच रहे आरोपी। हाँ वो बताईस लड़की के पांच थे गिरफ्तार भी है, एक बार नहीं पकड़ा जा चुका है। हाँ वो एक लड़की लेके गई थी। अच्छा, लड़की से बात भाई अपन? हाँ एक से बात अभी की थी, एक लड़का जो था उसका नंबर भी था, तो रात में बात किया। अच्छा ठीक, बोली कि 12 बजे के बाद हमको पुलिस वालों ने हमारे घर छोड़ा था। और लड़की का बता रहा है, रिपोर्ट में उसे पूछी क्या लिखाए हैं दुष्कर्म, लड़की उन्होंने बता रहा है दुष्कर्म उष्कर्म का कोशिश करे के लिखाए है, कपड़ा उतारे नहीं कोशिश थी का। अब पुलिस के सर का लिखा है, लिखी नहीं पुलिस वाले, हमका जानकारी ना मिली। तो लड़की का नंबर है? हाँ लड़की का नंबर है, व्हाट्सएप करी का। मैं रामानंद पांडे बोल रहा हूँ। जी जी बताएं। ये अपने यहाँ से कुछ ऐसी खबर आ रही है कि अपहरण हुआ था लड़कियों का, निर्वस्त कर वीडियो बनाने का प्रयास किया गया था, थोड़ा सा बता दीजिए पूरा मामला क्या था, क्या जानकारी आई अभी और क्या कार्रवाई की पुलिस? जी जी 100% से सूचना मिली थी पुलिस को कि ऐसी अपहरण जैसी घटना हो रही हुई है, तो पुलिस मौके पे गई, हम लोग, मैं खुद मौके पे गया था, और दौरान हम लोग पहुंचे तो वहाँ पे दो ग्रुप के लोग जो है नीचे घूमने हुए गए हुए थे, तो उन्हीं में से एक पक्ष में लड़कियां थी, दूसरे में लड़के थे, तो उनके बीच में कुछ पैसों को लेकर और रास्ते को निकलने को लेकर कुछ विवाद हुआ था, और जिसमें से जो है दूसरे पक्ष के लड़कों ने जो है गाली गलौज कर मारपीट भी की थी इनके साथ में, और चूंकि लड़कियों के साथ मारपीट की थी तो उन्होंने आधार यह था कि लड़कियों के साथ क्यों मारपीट की है, तो उनके खिलाफ जो है 30 करोड़ का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। ये अपहरण की बात आ रही थी कि निर्वस्त्र कर वीडियो बनाने की कोशिश की गई, तो क्या इस तरह की लड़कियां भी शिकायत की है? नहीं नहीं, ऐसा गर्ल्स जो घूमने गई थी उनके द्वारा पुलिस को नहीं दी गई है, केवल मारपीट और सखाने की सूचना थी।
और उसी के द्वारा पुलिस मौके पहुंचकर नीचे सुरक्षार्थियों को लेकर थाने लेके आई थी। आरोपी गिरफ्तार भी हुए? कोई आरोपी गिरफ्तार हो गए, तीन आरोपी गिरफ्तार हुए। कुल कितने आरोपी थे? आरोपी तुमने बताया था, पांच बताए थे कि पांच लोग हैं, पहचानती नहीं थी, लेकिन तीन लोगों को पकड़ा गया है और अन्य आरोपी भी टीम रवाना हो गई है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद सर।